नमस्कार, मैं हेनिका कौशिक स्वागत करती हूं आप सभी का IMS टुडे पर। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। अन्ना का मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र, कहा सत्ता के नशे में डूब गए हैं आप। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा भाजपा कर रही है अन्ना का इस्तेमाल। कार्तिक सिंह से नीतीश कुमार ने लिया कानून मंत्रालय वापस, अपहरण के पुराने मामलों में कोर्ट ने जारी किया था वारंट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किया जाएगा प्रतिष्ठित कैपिटल फाउंडेशन लाइफटाइम पुरस्कार से सम्मानित। प्रख्यात अर्थशास्त्र अभिजीत सेन का हुआ दिल के दौरे से निधन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के 71 नेताओं ने आजाद के समर्थन में दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, अगले 2 महीने में पूरा होगा काम। बैंगलोर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर दिखाई दिया घंटों तक जाम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में बढ़े हत्या, अपहरण और बच्चों के यौन शोषण के मामले। अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स, $137 अरब की संपत्ति के साथ अंबानी को छोड़ा पीछे। देश में 2030 तक बढ़ेंगे 5 करोड़ ई वाहन, चार्जिंग कंपनियों के लिए बड़ा मौका। एशिया कप के अंतिम ग्रुप मुकाबले में आज हांगकांग से भिड़ेगा भारत। आज के लिए बस इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए IMS टुडे के साथ। धन्यवाद।